हाईकोर्ट के रोक के बाद भी ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित जमीन मालिक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। पीड़ित का कहना है कि सरपंच उन्हें परेशान करने के लिए उनके जमीन को सरकारी जमीन बताकर अवैध तरीके से नवीन पंचायत भवन का निर्माण कर रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन ने इसकी जाँच कर हमें जमीन नहीं सौंपी है। मैंने ही इस जमीन को सहोदरी बाई से 2012 में खरीदा था। 8 साल से इस जमीन पे मेरा हक है, क्योंकि इस जमीन के सारे दस्तावेज मेरे पास है। स्टैम्प पेपर, B1, नक्शा, खसरा, सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। तो ये जमीन कैसे सरकारी हो गई? अगर ये सरकारी जमीन है तो साबित कीजिए कि ये सारे पेपर्स नकली हैं। ये जो है सर, सब कुछ जो है भू माफिया का खेला चल रहा है। सरपंच महोदय हमसे 5 लाख रुपए के डिमांड किए थे, या इस जमीन को बेचे कि यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बनाएंगे, है ना? अगर आप 5 लाख रुपए देते हो तो, या फिर इस जमीन को बेचो, हमारे पास खरीदार है। और उसमें से जो सामने की जो जमीन है 4 डिसमिल, वो आपकी जमीन 4 डिसमिल सरकारी है। पथरिया के सकेत में रहने वाले